हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आपण मानको स्वागत जनाउछे। आज रे वीडियो रे हमें बैक साइड ब्लाउज रे डिजाइन करिबा। तो ये ब्लाउज टा मु नेकटा जोटा कटिंग करथली सेटा को जॉइन करी रखि देली। एबे हमें शोल्डर मापेबा हमर केते अछि। एटी शोल्डर मोर अछि 5.5 इंच। तापर आसला मोर आर्महोल, आर्महोल एटी मु रखि छि 6 इंच। तापर आसला मोर चेस्ट, चेस्ट अछि एटी मोर 36, ताको मु चारि भाग कला परे मोर हला 9 इंच, सेतरे मु 2 इंच मिसेली मोर हला 11 इंच। एबे आसला ब्लाउज रो लंबा, लंबाटा एटी मु 15 इंच रखिछि। ब्लाउज रो बैक नेक रो डीपटा एटी मु 10.5 इंच बैक डीपटा रखिछि। बैक डीपटा तळ आडे चौड़ा ब्रॉड करिया पई एटी मु 3 इंच नेछि। तापर आसला मोर नेकलाइन, नेकलाइन पे कपड़ाटा को मु साइज करि पुनी रखि देली। तापर एबे देखिबी नेकलाइन डेट रखिछि मु 1.7 इंच। कपड़ाटा को मुझ पिन अटाच करी से खोलीदेली। एवं अस्त्र कपड़ा और मेन कपड़ा दुईटा को सामान भाव धरवा आगे अंटा बट तल सैड को सामान भाव धरिकी तापर गोटे आगे आम सिलई पकईदे। तलपटा जॉइंट कर सारापर एवं आम पिन सब अटाच करदे। पिन अटाच कले कौन हम ना कपड़ाटा जो चारिड़े सिलई पकईवा आम सैज भाव में रोक। जदि आम पिन न करवा अटाच तेल तल आठ कौन हम कपड़ाटा जो मेन कपड़ाटा सिल्क कपड़ाटा तो से जमिक रही तो से सब आड़े पिन लगेदेली। एवं आम चारि सैड सिलई पकईदे मेसीन में। सबुआ मेसीन सिलई पकईदेली। एबे जो साइड जो बड़का कपड़ा रही सेतक मुझे काटिदेवि। एबे कटिंग कम्प्लीट होगा। एबे आम टक्स पकेबा। टक्स ऊपर को 4 इंच लेंथ रे नेबी। तळ आड़े टक्सटा जानते गोटे इंच रे पड़े तो एबे मु गोटे इंच रखिक ऊपर को 4 इंच टक्स पकेली। दुई साइड रे आम एमती टक्स पकईदे। एबे आम अंटे पटी पकेबा। अंटे पटी पकेबाई कपड़ार चौड़ा मुझे 2.5 इंच तो यहाँ को सामान एमती रखिकी हाफ इंच लेखा डिस्टेंस रखी गोटे सीधे सिलई पकईदेबा। ये अस्त्र कपड़ाटा जो अटा पटी पकईले से तल आड़ को डाउन करिया। डाउन कर सारापर से ही अस्त्र कपड़ा उपर ही गोटे आम सिलई पकईवा। ये सिलईटा जब एमती पकाउंटे जो कपड़ाटा भितर आड़ को फोल्ड करवा अंटा पटीटा से पूरा फिनिशिंग भाव में हम अंटा पटीटा जगार जो लचाकुचा देखा जाए सेमती देखाजन। ये कपड़ाटा को दुई फोल्ड करदे। दुई फोल्ड करके मेसीन गोटे सिलई पकईदे। जदि आप सिलईट को हेमिंग करा चाहते हैं मुझे करेंगे जमी आगे प्रथम मेसीन पकईदे सिलई तापर से ब्लाउज कम्प्लीट होगा से सिलई खोल के आज हाथ में हेमिंग करें। अंटा पटी एम पकईदे। एवं आम पकेबा बेकर पाइपिंग लगे। तो बेकर पाइपिंग लगे आगू अन्य भिड कर सारी पाइपिंग केमती लगा हुए तो ये पाइपिंग मुझे 1.5 इंच चौड़ार कपड़ा नहीं गोटे सैड फोल्ड करदे। ये पाइपिंग जदि केमती लगा जाए डिटेल्स आप जानवाक चाहते तेल मोर अगर भिड अच्छी चैनल जाइए आप देखिपारे पाइपिंग आपमी लगे। उपर पटु यहाँ सामने रखी मुझे गोटे हाफ इंच लेखा डिस्टेंस गोटे सिलई करदे। एबे ये सिलईटा को पुणी भितर को आ गोटे फोल्ड करदे। आ गोटे फोल्ड करके आम ताऊपर गोटे गोटे सिलई पक साइड सैड्रे पाइपिंग विषय जब मुझे पूरा डिटेल्स आउ थे सेयार करी तो भिडटा बहुत लंबा हो तो से पाइपिंग बेस किसी आज कहली सर्टकट रे सारीदेली। आपने बिना डरी बहुत सुंदर भाव में पाइपिंग करेंगे जदि आप भिडटी गोटे थर देखिपारे। एवं मुझे डिजाइन करने कपड़ार चौड़ा आउ लंबा 3 इंच लेखा नहीं कपड़ाटा को आम गोटे ट्राइंगल भले मोड़ीदे। गोटे फोल्ड कले पुणी आउ थे ट्राइंगल कै एम कर सारापर हाथ धरिकी पुणी आउ थे ट्राइंगल कराया ये टाइप रहीगला। यहाँ आम मेसीन में सिलई पकईदे। एमती होगा जो तले बड़का कपड़ा रहा से आम काटिद एम बहुत सारा मुझे यादी। एवं आम पाइपिंग ऊपर ऊपर साइड साइड करा लगेबा तो जो डिजाइनटा तैयारी करते सहीटा आम पाइपिंग पूरा लग लगेमती रोथ देखुए एमती मैं डिस्टेंसटा आप गोटे इंच रखिपारती गोटे इंच रू अधिक भी आप रखिपारती मुझ बेसी बेसी रखुनी ये पाखापाखि गोटे इंच रू टे कम रखी डिस्टेंस जदि आप चाहते लगे लगे करेंगे तो ये मुझुक जॉइंट करदे मेसीन में। सिलई गला ध्यान देवे जमी पाइपिंग से मुह तक सब साइज लग कि रही थी सेमती रही गोटे साइज सब भी देखा जीवो। एबे मुझे जॉइंट सब करी ये मोर सब जॉइंट एबे हो गला।
या उपरे जो देखिए आम बलका कपड़ा रही सिलई पर भी तल आड़े आम टी बलका रही थी से गुड़ाक आम कटिंग करदे ना बेस मोटा देखा जो बहुत भल लगे देखापी तो से गुड़ाक कटिंग करने कटिंग होगा या उपरे आम लेस पकेबा ये आप जेकोसी प्रकार लेस नहीं पारती ये मुझे चौड़ार लेस नहीं गोटे सैड आगे सिलई पकईदे गोटे सैड सिलई पकला पुणी आर सैड भी आम सिलई पकईद जब दी सैड न पकेबा कौन हम लेस आम उठिक डिजाइन उपरे किसी आउ टे अगर लुक देवाई रेड कलर पुंती नहीं गोल्डन कलर पुंती नहीं आपने चाहिए रेड कलर भी खाली नहीं पारे आपने चाहिए खाली गोल्डन नहीं पारे तो ये गोल्डन कलर मुझे पुंती नहीं पखापाखि चार पांचटा ये मुझे सीधार भर्ती करी ये देखिपे एटा केमती सिलई करूटा को टी मजबूत होगापी पुणी या भितर आउ थे मुझे सिलई पकईदेवि ये होगा तल आड़ा को मुझे भल कंठी करके सिक्योर करदेवि ये होगा मोर गोटे डिजाइन तापर आउ गोटे जगह मुझे अन्य प्रकार करी जो रेड कलर पुंती नहीं रेड कलर करी ये जगह मुझे गोटे पत्र टाइप रोटे डिजाइन देवाक चाहूँगी तो सीधा राग करदेली पुणी एपट सैड गोटे करी पुणी सेपट सैड पुणी किसी माली भर्ती करी एपटे भी मोर होगा एटाक भी पछटे मुझे गंठी करी सिक्योर करदेली ये डिजाइनटा जो मैंने नुआ नुआ सिली शिखुंट से बहुत सहजे बहुत सुंदर भाव में करें तो ये मोर ब्लाउज टी कम्प्लीट होती आपड़ चाहती ब्लाउज डोरी लगे पारे तो ये मुझे एमती करके देखे दूसरी आशा करुच्ची आज भिडियोटी आपको भल लगी जदि भिडियोटी आपको भल लगी तो लाइक सेयार कमेंट निश्चित करदे भिडियो शेष पर्यटन देखी थी आपण मूँ समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।